बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ एक और सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 8 माओवादियों को मार गिराया है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रतिबंधित और गैरकानूनी माओवादी संगठन के सदस्यों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी के साथ एसटीएफ और सीआरपीएफ का बल अभियान के लिए रवाना किया गया था। अभियान के दौरान आज सुबह से लेकर दोपहर तक लगातार सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके की सर्चिंग के दौरान 7 माओवादियों के शव बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में हथियार भी जब्त किए गए हैं और अभी भी आसपास के इलाकों में सर्चिंग जारी है। जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की माओवादी कैडर की उपस्थिति के सूचना के आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ का बल संयुक्त अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 12 दिसंबर को सवेरे से लेकर अभी दोपहर तक लगातार अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 7 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। काफ़ी बड़ी संख्या में आम सबमिशन भी रिकवर किए गए थे। अभी भी आसपास इलाके में सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने पर हमें पूरा विस्तार से डिटेल्स प्राप्त हो सकता है। वर्ष 2024 में अब तक माओवादियों के खिलाफ की गई प्रभावी नक्सल विरोधी अभियान के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 में अब तक कुल 215 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी और काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और अन्य हथियार भी बरामद की गई। आने वाले समय में भी माओवादियों के खिलाफ इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच बीजापुर जिले में माओवादियों ने गश्त पर निकली डीआरजी टीम को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली मारा गया है। घटना गंगालूर क्षेत्र के मुनगा के जंगल की है। डीआरजी टीम ने मौके से पिस्टल, जिंदा आईईडी, 6 नग रिमोट स्विच सहित अन्य माओवादी सामान बरामद किया है। अभियान के दौरान माओवादियों ने पुलिस पार्टी को निशाना बनाते हुए आईईडी विस्फोट भी किया, जिसमें डीआरजी के एक जवान को मामूली चोट आई है। क्षेत्र में सघन गश्त जारी है।